दिस इज़ हिमानी शर्मा आर्ट एंड क्राफ्ट चैनल और आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू माय आर्ट एंड क्राफ्ट चैनल और मैं हूँ आपकी अपनी हिमानी शर्मा। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। आज हम इस बड़े से पत्थर पर अपनी पेंटिंग करने वाले हैं तो वीडियो हमारी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ पर हम एक्रिलिक कलर का यूज़ करेंगे तो पेंटिंग को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने येलो, ऑरेंज और रेड कलर का यूज़ किया है तो स्टोन के सबसे ऊपर वाले पार्ट पर हम पहले येलो कलर लगा लेते हैं। इसको अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। ध्यान से लगाइएगा कि पत्थर जो हमारा नीचे का है वो दिखाई ना दे। येलो कलर को ऊपर पार्ट भी अच्छे से हमने स्प्रेड कर लिया है। इसके बाद हम थोड़ा सा ऑरेंज कलर लगाएंगे और इसको भी अच्छे से हमें पूरे स्टोन पर स्प्रेड कर लेना है। तो जहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ की थी पहले हम वहीं तक कलर्स लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर लगाया है और येलो कलर के साथ उसको थोड़ा सा मिक्सअप कर दिया है। ये पार्ट होने के बाद जो नीचे वाला पार्ट है हमारा, मतलब जहाँ हमने कलर लगाया है वहाँ पर नीचे वाले पोर्शन को थोड़ा सा डार्कन करना होगा। तो उसके लिए थोड़ा सा ऑरेंज और रेड कलर को हम मिक्स करके नीचे वाले पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। और जितने भी कलर अभी हमने लगाए हैं तीनों शेड्स को हमें आपस में अच्छे से मिक्सअप कर लेना है ताकि जो बीच में सेपरेशन दिख रहा है कलर्स का वो ख़त्म हो जाए और अच्छे से मिक्सिंग हमारी आ जाए। थोड़े से क्लाउड्स बनाएंगे ऑरेंज कलर से। जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या जिन व्यूअर्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी उन सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ जो नीचे वाला पार्ट है उसके सेंटर पे हमने येलो कलर को स्प्रेड किया है और दोनों तरफ हम ऑरेंज कलर को अच्छे से लगा लेंगे अपने पूरे स्टोन के ऊपर और फिर इनको आपस में मिक्स कर लेंगे। मिक्स हमें इस तरह करना है कि नीचे का जो बीच का जो येलो वाला पोर्शन है वो हमारा येलो ही रहे और साइड से उसमें हल्का हल्का सा ऑरेंज कलर आ जाए और ऑरेंज कलर पर हल्का हल्का सा येलो लाइन्स हमें दिखाई दें। साथ ही थोड़े से डार्क रेड कलर को भी हम लगा लेते हैं, इससे हमारा लुक बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पर हमें वाटर का टेक्सचर देना है तो यहाँ पर हमने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया। ऊपर जहाँ लाइन ली थी उसके ऊपर हम हाफ सन को बना रहे हैं। यहाँ पर मैंने येलो कलर से ये सन बनाया है। आप देखिए लग रहा है ना कि ये सन की शेडो हमारे नीचे पानी पर आ रही है, कितना सुंदर लग रहा है हमारा अभी से। ये पेंटिंग का लुक जो है ये बिल्कुल ओरिजिनल निकल कर आता है, बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। आप ब्लैक कलर का यूज़ करके जहाँ हमने पार्ट डिवाइड किया था वहाँ पर एक लाइन बनाएंगे और इधर हम दो माउंटेन्स बनाएंगे साइड से और बीच वाले पोर्शन पर थोड़ा सा ही दिखेगा जहाँ पे वो जॉइंट होते हुए लगेंगे, क्योंकि हमें अपना जो सन है वो बीच में ही दिखाना है। तो हमने यहाँ साइड से एक माउंटेन बना लिया है ब्लैक कलर से और दूसरी साइड से भी हम कॉर्नर से थोड़ा ऊँचा रखेंगे और बीच वाला पार्ट नीचा। तो ये हमारा इस तरह से कम्प्लीट हो जाएगा। ये हमने ब्लैक कलर को स्प्रेड करके अच्छे से माउंटेन बना लिया है ना। ये इसमें एक एक पार्ट हम जैसे ऐड करते जाएंगे ना, हमारी जो पेंटिंग है इस स्टोन के ऊपर वो उतनी ही अट्रैक्टिव लगती जाएगी। अब सेम ब्लैक कलर का यूज़ करके हम नीचे भी थोड़ा सा ग्राउंड एरिया दिखा रहे हैं। यहाँ पर हमने साइड से थोड़ा ऊँचा लिया है, बीच वाला पार्ट बिल्कुल नीचे है। थोड़ी सी हम इस पर ग्रास भी बना लेंगे साथ ही साथ ब्लैक कलर से। आपको इस वीडियो का अभी तक का प्रोसेस कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो ख़त्म होने के बाद अपने कमेंट्स जो बहुत प्रीशियस है मेरे लिए उनको ज़रूर दीजिएगा। तो ये हम थोड़ी सी ग्रास बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करेंगे। ये हमने ग्रास कंप्लीट कर ली। अपनी पेंटिंग को थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आगे की साइड हम फैंसी बना रहे हैं तो ये हमने यहाँ पर लाइन्स ले ली हैं, टू स्लीपिंग लाइंस और स्टैंडिंग लाइंस से हम ये पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। और जो नीचे ग्राउंड एरिया में हमारा ऊंचा वाला जो पार्ट है वहाँ तक हम एक ट्री बनाएंगे। तो हमने ऊपर से पतला और नीचे से थोड़ा सा मोटा तना लेके ट्री का तना बना लिया। यहाँ पर हम कोकोनट ट्री बनाने वाले हैं तो इसकी हमें यहाँ पर लीफ बनानी है। मेरी चैनल से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। वहाँ पर आपको मेमोरी ड्राइंग, ऑब्जेक्ट ड्राइंग, आपकी लैंडस्केप आलेखन ड्राइंग सभी तरह की वीडियोस मिल जाएंगी। क्राफ्ट आइडियाज़ भी आपको वहाँ पर मिलेंगे। ये ट्री की लीव्स हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई हैं।
एक लास्ट पार्ट बचा है, इसको हम कंप्लीट करके अपने इस ट्री को कंप्लीट करने वाले हैं। अगर वीडियो से रिलेटेड या ड्राइंग से कोई और टॉपिक से रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चन मेरे से पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए। आप प्लीज़ अपना क्वेश्चन ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं जैसे ही आपका क्वेश्चन देखूंगी उसका रिप्लाई तुरंत करूंगी। यहाँ पर हम एक और ट्री बना रहे हैं, तो पहले हमने पेड़ का तना बनाया है और इसके बाद हम इस वाले ट्री जो हमने पहले बनाया था उसे थोड़ा नीचा रखेंगे अपने सेकेंड ट्री को। बहुत इजी प्रोसेस है, स्टोन के ऊपर बहुत आसानी से एक्रेलिक कलर हो जाते हैं और देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगते हैं। तो आप एक बार इस तरह से पेंटिंग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी सिंपल लैंडस्केप है लेकिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है ये, और स्पेशली जब हम स्टोन पे करते हैं तो और भी ज़्यादा सुंदर निकल कर आता है। तो ये वाला ट्री भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये पार्ट कंप्लीट हो गया, अब ऊपर स्काई वाले पार्ट पर हम टू बर्ड्स भी बनाएंगे क्योंकि ये ना देखने में बहुत सुंदर लगती है और इससे हमारा जो लैंडस्केप है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए हमारी ये पेंटिंग कंप्लीट हो गई है, हमारा सुंदर सा लैंडस्केप स्टोन के ऊपर और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। आपको ये स्टोन पेंटिंग कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं आप सभी के कमेंट्स का इंतज़ार करूंगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।